गिडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आज मैं आपको बताऊंगी शरद ऋतु के बारे में। अब तक मैंने आपको ग्रीष्म यानी गर्मी और वर्षा यानी बारिश के दिनों की ऋतु के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन के बारे में। ऑटम सीजन होता है अक्टूबर नवंबर में। इस मौसम में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। मौसम सुहाना रहता है। दिन के समय तो ठीक लगता है लेकिन रात में हल्की हल्की ठंड होने लगती है। इस मौसम में बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं जैसे नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा। इस मौसम में सर्दी, जुखाम और स्किन एलर्जी होने का डर रहता है, इसलिए अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस मौसम में यानी शरद ऋतु में जब आप बगीचे में खेलने जाएं, तो आप देखेंगे कि पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। आपको अपने आसपास बहुत से सूखे हुए पत्ते गिरे हुए दिखेंगे। इसे पतझड़ कहते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि पतझड़ क्यों होता है। दरअसल गर्मी के समय पेड़ सूरज की रोशनी से अपने लिए खाना बनाते हैं। शरद ऋतु में पेड़ों को खाना बनाने के लिए पूरी धूप नहीं मिल पाती। वह पहले से इकट्ठे किए गए खाने पर ही निर्भर रहते हैं। पत्तों को अपने लिए पूरा खाना और पानी नहीं मिल पाता, इसलिए पत्ते कमजोर होकर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और पतझड़ होता है। हमें अपने आसपास बहुत से पत्ते गिरे हुए दिखाई देते हैं। अगली ऋतु में पेड़ पर फिर से नए पत्ते आते हैं और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो आज आपने जाना कि शरद ऋतु में पतझड़ क्यों होता है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी हेमंत ऋतु के बारे में। तो चलिए, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। बाय।